हाँ भैया, ईद की आमद आमद है और ईद के साथ जो है हर किसी की कुछ यादें जो है ना वो वाबस्ता होती हैं। तो आज मैं ऑफिस में अपने अपने ही इन कलीग्स के साथ ये पूछने वाला हूँ कि भाई इन लोगों ने अपनी ईद कैसे गुजारी है बचपन में और अब कैसे गुजारते हैं। आए देखते हैं। हाँ भैया, आपकी ईद कैसे गुजरती थी और अब कैसी गुजर रही है? ईद कैसी गुजरती थी? ईद बहुत अच्छी गुजरती थी। पहले ये था कि ईद ही लिया करते थे फौरन घर जाके, अब दिया करते हैं, अब दिया करते हैं, अब लोग खुद हमसे फरमाइशी। हाँ, ईद क्लियर कर लें आप, ये ना हो फिर लोग कुछ और समझे। और उसके अलावा और कोई ऐसा यार नहीं है। ये इन लोगों की ईद ना बहुत खेली गुजरी, मैं बताता हूँ। मेरी ईद जो गुजरती थी ना, ईद आते ही जब ईद आने वाली होती थी ना, तो बुक स्टॉल के आगे जो है ना वो ईद के कार्ड लग जाते थे। सही है, एक कार्ड होते थे जो बहुत महोत्सव कार्ड होते थे, जिसके ऊपर आप शेर व शायरी लिखते थे कि ईद आ रही है, अटक अटक के। हाँ, और एक कार्ड होते थे जिसमें जो है आपका जैकी श्रॉफ और सनी देओल जो है ना यहाँ से यहाँ तक क्लीवलेज दिखा रहे होते थे। क्लीवलेज नहीं होती थी, ये बड़े बड़े बाल निकल रहे होते और उर्मिला मांडवकर यूं हाथ रख के बैठी होती थी। वाह! और वो कार्ड आप जाके लेकर आते थे किसको? अपने स्कूल के दोस्तों को। दोस्तों ऐसे ही है। और आप उसके ऊपर शेर लिखते थे। शेर क्या लिखते थे, कोई शेर सुनाओगे? शेर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। आपको याद होगा शेर, तुम्हारी शक्ल लग रही है शेर वाली। ईद आ गई, मेरा याद नहीं आया। अबे उस वक्त तो शेर भी नहीं था। अबे तू बचपन से इतना डबो है। हम तो यही करते थे, छह कार्ड बना के छह ग्राम दे देते थे। अबे नहीं, वो वाले शेर जो मोहद्दब शेर होते थे कि ईद आ रही है अटक अटक डब्बे में डब्बे डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में। डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में, ये वाले शेर होते थे। एक और शेर होता था कि वो नानी ने नहीं क्या पूछा था ना, डब्बे नहीं कुछ ऐसी कुछ शेर था, डब्बे में डब्बा नहीं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चंदी की चटनी चल पे चलिए फिल्मों के हैं ये, कुछ वो अलग है ये वो नहीं है। एक और कुछ शेर होते थे जो होते थे कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। आपकी ईद की शॉपिंग होगी? मैंने हाँ बहुत सारी खरीदी है। क्या खरीद लिया तुमने? बहुत सारे दरों ने आपका छापा पड़ा है। अलग अलग शेड्स लिए हैं, दस सनग्लासेस लिए हैं, सुबह के अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग। और वो छर्रे वाली गन का हिसाब किताब हो गया? वो मैं राइफल, अरे बहुत महंगी हो गई है यार। मैंने देखा एक बच्चे को लेके, मतलब वो गन जो 30-20 रुपए में आती थी, फिर भाई बात करो इतनी महंगाई हो गई है। 20-30 रुपए की जो गन आती थी वो कितने की हो गई है? 400-500 रुपए की। अबे वो एक गन आती थी, क्या नाम उसका, एक नाम होते ना चौधरी असलम। लेकिन ये बताओ, गनों के नाम होते थे चौधरी असलम। कोई फॉरेनर बाहर से आ रहा है पाकिस्तान, ईद वाले दिन आ रहा है वो, ये कुछ इंटेलेक्चुअल बात होने वाली है। कोई फॉरेनर आ रहा है, कोई ईद पर आ रहा है और उसको नहीं पता यहाँ पे ईद का मौका है। हाँ, तो उसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आज ईद है? यहाँ पे आज ईद है, क्या ऐसा कुछ देखेगा वो एनवायरनमेंट जिससे उसको लगेगा? बताओ कैसे? बस सीवी वॉच कर, सीवी जाती नजर आ जाएगा ईद है। एक तो ये ये से डीप बात बोलिए, सीव्यू पहुंचेगा और सीव्यू जाके क्या नजर आ जाएगा उसको? ये रेड पिंक ब्लू रंग बिरंगे रंग बिरंगे नारे बोलना यार। ये इस कमेंट से इस चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस इंडिविजुअल की अपनी राय है भाई, इसको नजर आते हैं। पहले जो आप जॉगर्स पहनते थे, चलो और लाइटें जलेंगी, चश्मा पहना हो आपने खतरनाक वाला, नहीं और घड़ी होनी चाहिए जो एक अपने आप में बड़ा दबाया फड़क करके ही खुलती थी। बेंटन वाली, बेंटन बेंटन वाली घड़ी। अब तो इमाम साहब को भाई नमाज के बाद हम बचपन में सो रहे होते थे, आंख खुली तो इमाम साहब घर में बैठे सभी खा रहे हैं। इमाम साहब को घंटे आते हैं, इमाम साहब मामू तो नहीं है आपके? हो भी सकते हैं, मामू तो होंगे, मामू मामू मुसलमान भाई पे सारे मामू हो गए। अच्छा तो भाई ऐसे गुजरती है इन लोगों की ईद बाद में। और शीर कोरमा वो तो मस्ट है ना, उसके बिना फिर ईद ईद नहीं है ना। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप चॉकलेट बहुत खाते होगे ईद। हमें तो बचपन में तीन गले जो जो मिलता हो, तीन पप्पियां भी देता था घर में। तीन पप्पियां? ये तुम वो कारी साहब वाले हो तो नहीं? समझ नहीं आता, अब समझ आ रहा है क्यों। तो भाई इन लोगों की ईद ऐसे गुजरती थी और हमारी भी ऐसी गुजरती है। अब ये काम कर लें, काम कर लें आप भी, हम भी काम कर लेते हैं, हम भी निकलते हैं सीट के लिए अपनी, फिर मिलते हैं।